नेक्स्ट uh, क्वेश्चन 2010 का सवाल है एंड इट सेज द एडिशनल कानीटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सेटेलाइट ऑफ मास एम रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लानेट ऑफ मास कैपिटल एम टू ट्रांसफर इट फ्रॉम अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर वन टू अनदर ऑफ रेडियस आर टू और हमें दिया हुआ है कि आर टू इज ग्रेटर देन आर वन वो एडिशनल एनर्जी कितनी होगी अलग नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर एक गलती करते हैं uh, मैं चाहूँगा हम उसका ध्यान दें अट तो सबसे पहले तो समझते हैं सिचुएशन क्या है सिचुएशन ये है कि आपके दो ऑर्बिट हैं मान लीजिए सेटेलाइट आपका ऐसे घूम रहा है सो so, पहले ये रेडियस है आपका आर वन और ये वाला रेडियस है आर टू अब हमें इस सैटेलाइट को शिफ्ट करना है यहाँ से लेके हम चाहते हैं हो सैटेलाइट आपका आर वन रेडियस से आर टू रेडियस पर चला जाए सवाल ये है कि हम उसको कितनी एडिशनल कानीटिक एनर्जी प्रोवाइड करें या फिर हम उसको कितनी एक्सटर्नल वर्क डन करें कि वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाए ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यहाँ पे लोग अक्सर ही गलती करते हैं वो कहते हैं कि वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ये आपकी अप्रोच सही नहीं होएगी अप्रोच गलत होएगी बिकॉज यहाँ पे डन आपका सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे जो डन आएगा वो टोटल एनर्जी का डिफरेंस आएगा बिकॉज यहाँ पे जब आर वन पे घूम रहा है और आर टू पर भी घूम रहा है तो उसके पास एक और एनर्जी है विच इज कॉल्ड कारनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे हमें जो करने की जरूरत है वर्कडन दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल ये आपकी एडिशनल एनर्जी आपने प्रोवाइड की है फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस ऑल सो टोटल एनर्जी हमें पता है कोई भी अगर प्ले uh, सेटेलाइट अगर रोटेट कर रहा है एट अ रेडियस आर हमें ये पता है कि उसकी एनर्जी हम लिख सकते हैं माइनस जी एम एम डिवाइड बाई टू आर सो फाइनल हो जाएगा टू आर टू माइनस जी मैं इसको रेस कर रहा हूँ एम एम डिवाइडेड बाय आर वन सो इसका मतलब हुआ अगर इसमें से हम और ये माइनस साइन यहाँ आएगा और इसमें से हम जी एम एम कॉमन ले लें सो वी विल गेट डिवाइडेड बाय टू भी कॉमन ले लें सो वी विल गेट वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू सो दिस इज़ द एनर्जी दैट वी नीड टू इम्पार्ट ये एनर्जी हमें उसे देने की ज़रूरत है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर